हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 1990 की प्रिटी वुमन ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट थी और ये बहुत फेमस भी मूवी है। इस मूवी का नाम बहुत सारी हॉलीवुड मूवी में आप देख सकते हो और बॉलीवुड को भी इसने इन्फ्लुएंस किया था। इस मूवी में एक मिलीनियर अनइंटेंशनली एक प्रोस्टिट्यूट से मिलता है। ये एक साथ कुछ वक्त गुजारते हैं, इसके बाद इन दोनों में प्यार हो जाता है। ये सब क्या होता है और एंडिंग क्या होती है, ये इस एक्सप्लेनेशन में हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मूवी लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर आप ले सकते हो। तो चलिए इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारी मूवी की सेटिंग ये लॉस एंजलिस में है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक पार्टी दिखती है। ये एडवर्ड के लॉयर ने रखी हुई होती है। ये पार्टी एडवर्ड के लिए है, पर फिर भी एडवर्ड बहुत ही बिजी है। एडवर्ड एक बिजनेसमैन है जो कंपनीज बाय करता है और सेल करता है। इसी तरीके से उसने फॉर्चून बनाई है, पर इसे हमेशा बिजी रहना पड़ता है। इस पार्टी में एडवर्ड की एक्स भी होती है। उसे इसलिए छोड़कर चली जाती है क्योंकि एडवर्ड के पास कभी भी उसे देने के लिए टाइम नहीं था। उसे पार्टी बोर होती है तो डायरेक्टली बाहर निकलता है। इस पार्टी में एडवर्ड एक लिमोजिन में आया था, पर वो पार्किंग में फंस चुकी है। लॉयर के पास एक नई स्पोर्ट्स कार होती है, वो डायरेक्टली उसकी चाबी उसे मांग लेता है। एडवर्ड का लॉयर उसका अच्छा फ्रेंड भी है जिसका नाम है फिलिप। फिलिप को डर लग रहा है कि एडवर्ड सही से गाड़ी चला पाएगा या नहीं, पर एडवर्ड इस गाड़ी को निकाल लेता है। एडवर्ड एक्चुअली न्यूयॉर्क से, इस वजह से एलए के रास्ते उसे पता नहीं है। वो गुम हो जाता है, उसे उसका होटल मिल ही नहीं पाता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हमारी और एक नई मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है विवियन। विवियन एक प्रोस्टिट्यूट है। वो अपने रूम में होती है और नीचे से आवाज सुनती है कि उसका होम ओनर सबसे पैसे मांग रहा है। उसने जो पैसे घर में रखे थे वो चेक करती है, पर वो गायब है। उसके रूममेट ने पैसे ले लिए है। होम ओनर से पकड़ ना पाए इसीलिए पीछे के एग्जिट से वो निकल लेती है। स्ट्रीट से जाते हुए उसे पता चलता है कि एक प्रोस्टिट्यूट मारी गई है। वो डायरेक्टली अपने फ्रेंड के पास आती है। उसके फ्रेंड से पूछती है सारे पैसे किधर है। सब पैसे उसकी फ्रेंड जुए में हार चुकी होती है। इसके बाद ये दोनों कस्टमर ढूंढने के लिए स्ट्रीट पर आ जाती है। यही एडवर्ड उसके होटल के डायरेक्शन ढूंढते ढूंढते आ जाता है। जब एडवर्ड की गाड़ी विवियन और उसकी फ्रेंड दिखती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है क्योंकि ये बहुत सारे पैसे उन्हें दे सकता है। विवियन एडवर्ड के पास जाती है। एडवर्ड विवियन से डायरेक्शन पूछता है। विवियन उसे कहती है कि $5 के लिए मैं तुम्हें डायरेक्शन दे दूंगी। एडवर्ड उस पर बिलीव नहीं करता तो डायरेक्टली ये $10 बोल देती है। एडवर्ड के पास कोई चॉइस नहीं है तो इसके लिए वो मान जाता है। उसके पास $20 की नोट होती है तो विवियन वो ले लेती है। वो कहती है कि इस $20 में तुम्हारे होटल तक मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। एडवर्ड ने कभी भी स्पोर्ट्स कार नहीं चलाई थी, इसी वजह से उसे सही से चलाना नहीं आ रहा था। विवियन को इस कार के बारे में सब कुछ मालूम है। इस कार की डिटेल सुनकर एडवर्ड उसे कार चलाने के लिए देता है। जिस तरीके से स्पोर्ट्स कार चलानी चाहिए उसी तरीके से विवियन उसे ड्राइव करती है। एडवर्ड उसे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना कैसे पता है। विवियन कहती है कि जहां पर मैं रहती थी तो मेरे फ्रेंड्स इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड थे। वो पुरानी स्पोर्ट्स कार लेते थे और उसे नया बना देते। बातों बातों में एडवर्ड विवियन से पूछता है कि तुम चार्ज कितना करती हो। विवियन के रेट्स बहुत ही कम होते हैं, पर फिर भी ये बड़ा चढ़ा कर डायरेक्टली $100 कह देती है। विवियन के शूज खराब है तो एडवर्ड कहता है कि तुम इतना कमाती हो फिर भी तुम्हारे शूज इस तरह से है। विवियन कहती है कि सचमुच में इतना ही चार्ज करती हो। बातों बातों में होटल आ जाता है। एडवर्ड उसे गुड बाय कहता है और विवियन बस के लिए वेट करती है। एडवर्ड अपना माइंड चेंज कर लेता है। विवियन के पास आता है और उसे होटल में उसके साथ चलने के लिए कहता है। विवियन भी इसके लिए मान जाती है। एडवर्ड का होटल ये बहुत ही बड़ा 5-स्टार होटल है। विवियन के कपड़े सही नहीं है तो एडवर्ड उसे एक कोट देता है। विवियन जब ये होटल देखती है तो इसे बिलीव नहीं कर पाती। होटल में सब लोग विवियन को ही देख रहे होते हैं। इन सबको पता होता है कि विवियन क्या करती है। जब ये दोनों लिफ्ट के पास आते हैं तो वहाँ एक कपल होता है जो विवियन को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है। विवियन भी उन दोनों का मजा लेने के लिए अपना क्लीवेज दिखाती है। फिर लिफ्ट में दोनों कपल नहीं घुसते, वहां से वो चले जाते हैं। लिफ्ट में आकर हंसने लग जाती है। वो एडवर्ड से कहती है कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। विवियन के कपड़े देखकर वो अलग प्लेनेट से इस तरह से उसके साथ वो बर्ताव करते हैं। विवियन भी इसका पूरा मजा उठाती है। जब ये दोनों रूम में आते हैं तो एक बड़ा सा पेंट हाउस है। इन दोनों को एक दूसरे से क्या बात करनी है यही समझ में नहीं आता। विवियन एडवर्ड को पैसे देने के लिए कहती है। इसके बाद एडवर्ड के पास आकर बैठती है और इंटीमेट होने के लिए रेडी होती है। एडवर्ड ये करने के लिए अभी रेडी नहीं है। वो कहता है कि हम जरा बात ही करते हैं। तभी हमें दिखता है कि रूम सर्विस आती है। एडवर्ड ने शैंपेन और स्ट्रॉबेरी मंगवाई है। विवियन एडवर्ड से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लॉयर हो। वो उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। एडवर्ड की कोई भी फैमिली नहीं है और अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है। एडवर्ड से वो ड्रिंक के लिए पूछती है तो एडवर्ड ड्रिंक भी नहीं करता। एडवर्ड कहता है कि इस लाइफ के नशे में मैं हूँ। विवियन फिर कहती है कि हम दोनों बात करें ये सब ठीक है, पर तुम अवर्ली में तुम्हें चार्ज करने वाली हूँ। एडवर्ड इस पर नाराज हो जाता है। वो कहता है कि टाइम तुम्हारे लिए इतनी बिग डील क्यों है। वो उसे पूरे नाइट के लिए चार्जेस कितने लोगे ये पूछता है। विवियन उसे $300 कहती है। एडवर्ड भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद विवियन वॉशरूम जाती है। एडवर्ड भी वहां आता है तो उससे वो कुछ छुपा रही है। एडवर्ड को लगता है कि ड्रग्स है, पर जब वो देखता है तो विवियन के पास डेंटल फ्लॉस है।
विवियन कहती है कि दांतों का केयर करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एडवर्ड ये देखकर स्माइल करता है। एडवर्ड कहता है कि जिस मैं बिजनेस में हूँ इसमें लोग मुझे कभी भी सरप्राइज नहीं करते और तुम सरप्राइजेस से भरी हुई हो। विवियन बहुत ही अटपटी सी है, लोगों का मजा लेती है, हर पल को सही से जीती है। वो प्रोस्टिट्यूट है पर फिर भी उसमें जो इनोसेंस है वो एडवर्ड को बहुत पसंद आता है। इसके बाद विवियन टीवी लगाती है और एक कॉमेडी शो देखती है। एडवर्ड उसके पास बैठता है पर टीवी नहीं देखता, सिर्फ उसे हंसते हुए देखता है। विवियन उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सिर्फ उसके माउथ पर वो किस नहीं करेगी। और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होती है तो एडवर्ड नोटिस करता है कि विवियन ने कल रात वीक पहना था, उसके एक्चुअल हेयर अलग है, उसे अच्छे लगते है। एडवर्ड सुबह जल्दी उठ गया था, ब्रेकफास्ट के लिए क्या मंगवाना है उसे समझ में नहीं आ रहा था तो सब कुछ उसने मंगवा लिया है। एडवर्ड की आदतें देखकर विवियन सरप्राइज्ड होती है, कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम ड्रिंक नहीं करते, तुम ज्यादा सोते भी नहीं हो, तुम करते क्या हो। एडवर्ड कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कंपनीज बाय और सेल करता हूँ। विवियन को समझ में नहीं आता। विवियन फिर इसे फिगर आउट करती है और पूछती है कि तुम एक्चुअल में बिल्ड कुछ नहीं करते। एडवर्ड कहता है कि हाँ पर वो अलग अलग कंपनी से सर्विसेज दूसरी कंपनी को हायर करने के लिए बेचता है। विवियन फिर बात करने के लिए चली जाती है। एडवर्ड को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, एक बड़ी सी कंपनी है जो एडवर्ड पाना चाहता है, इसके लिए 3-4 साल तक उसने वेट किया है। अब उस कंपनी के ओनर के साथ उसकी मीटिंग होने वाली है, एक बड़े होटल में मीटिंग होने वाली है। तो एडवर्ड का फ्रेंड उसे कहता है कि एक लड़की को एज अ डेट तुम वहां लेकर जाओ, यानी कि सब कंफर्टेबल रहेंगे। एडवर्ड फिर सोचता है और उसे आइडिया आता है कि वो विवियन को लेकर जा सकता है। विवियन के पास आकर पूरे वीक के लिए उसके चार्जेस पूछता है। ये दोनों बार्गेन करते हैं और पूरे वीक के लिए 3000 विवियन उससे मांगती है। वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि एडवर्ड उसे इतने सारे पैसे दे सकता है पर एडवर्ड इसके लिए मान जाता है। वो ये पैसे सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एडवर्ड उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि अच्छा सा ड्रेस तुम अपने लिए बाय करो। विवियन फिर अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है, वो कहती है कि इस होटल की लॉबी में तुम आ जाना, वहां मैं पैसे रख कर चली जाऊंगी। अब उसे रेंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। विवियन सिटी में घूमती है और अच्छे से स्टोर में जाती है। वहां जो सेल्समैन है उसे पहचान लेती है, उन्हें लगता है कि कभी भी इस शॉप को अफोर्ड नहीं कर पाएगी और उसे वहां से निकाल देती है। विवियन को बहुत ही बुरा लगता है। जब वो होटल में फिर से आती है तो वहां का मैनेजर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि कहां तुम जा रही हो। विवियन फिर कहती है कि वो एडवर्ड के साथ है। वो एक्चुअल में विवियन को अलाउड नहीं करना चाहता पर एडवर्ड का नाम लेने के बाद वो उसे अलाउड करना ही पड़ता है। वो विवियन को कहता है कि जगह जरा कंजर्वेटिव है, तुम्हें सही से कपड़े यहाँ पहनने चाहिए। विवियन कहती कि वही करने के लिए मैं गई थी और रोने लग जाती है, उसे शॉप में आने भी नहीं दिया, कहकर वो बहुत रोती है। मैनेजर फिर उसे हेल्प करता है, एक कॉल लगाता है और विवियन को वहां भेजता है। अभी शॉप में हो जाती है तो वहां अच्छे से उसे रिस्पेक्ट मिलती है। विवियन अपना न्यू ड्रेस देखकर बहुत ही खुश होती है। जब वो रूम में पहुंचती है तो उसे एडवर्ड का कॉल आता है। एक बड़े से होटल में आज वो डिनर करने वाले है और किस वक्त तक उसे रेडी रहना है ये सब उसे कहता है। विवियन को पता नहीं है कि इस 5-स्टार होटल में सही से मैनर्स से कैसे खाना है, तो मैनेजर के पास फिर से आ जाती है। मैनेजर उसे अलग अलग चीजें खाने के लिए कौन कौन से स्पून यूज करने हैं इस सब की ट्रेनिंग देता है। एडवर्ड जब रात में होटल में आता है तो लॉबी में उसका वो वेट कर रही होती है। एडवर्ड पहली नजर में विवियन को पहचान ही नहीं पाता। विवियन आज बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। इसके बाद ये मीटिंग के लिए होटल में आते हैं। बड़ी कंपनी का ओनर एक बूढ़ा आदमी है और उसका ग्रैंडसन उसे इस कंपनी में हेल्प करने वाला है, तो ये चारों लोग अब डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। विवियन जब सब स्पून्स देखती है तो फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि उसे किससे खाना है। उनका जब डिनर आता है तो ओल्ड मैन अपने हाथों से ही खाने लग जाता है। विवियन भी अपने हाथों से फिर खाती है। इस मीटिंग की डिस्कशन स्टार्ट होती है। ओल्ड मैन अपनी कंपनी से बहुत प्यार करता है, उसे सेल नहीं करना चाहता। एडवर्ड से पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें सेल कर दी तो उसके बाद तुम क्या करोगे। एडवर्ड कहता है कि कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में सेल कर दूंगा, इसे बहुत सारे पैसे वो कमाना चाहता है। ये ओल्ड मैन खुद ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उस पर बहुत सारे डेब्ट है। ओल्ड मैन एडवर्ड को कहता है कि अगर उसकी कंपनी वो इंटैक्ट रखेगा तो उसे सेल कर सकता है। एडवर्ड ये मानता नहीं और ये मीटिंग अनसक्सेसफुल हो जाती है। डिनर करने के बाद ये दोनों होटल में आते हैं। एडवर्ड जरा डिसअपॉइंटेड होता है। वो जब ओल्ड मैन से बात कर रहा था तो उसे वो इम्प्रेस था। विवियन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उससे इम्प्रेस्ड हो। एडवर्ड कहता है कि ये बिजनेस है, इसमें मैं इमोशनल नहीं हो सकता। हम दोनों उस तरह से बहुत ही सिमिलर है, हम पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। विवियन कहती है किसी और के साथ में जब होती हो तो मुझे कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, पर तुम्हारे साथ में जब हो तो मुझे अलग ही लग रहा है। विवियन पूरी रात एडवर्ड के साथ टीवी देखना चाहती है, हैंग आउट करना चाहती है। एडवर्ड को जरा काम है तो इसलिए वो नहीं कर सकता। एडवर्ड आधी रात में नीचे चला जाता है, जरा रिलैक्सेशन के लिए होटल का पियानो बजाता है। विवियन भी उसे ढूंढ लेती है।
एडवर्ड एक अच्छी सी धुन बजाता है और इसके बाद ये पियानो पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। जब सुबह होती है तो एडवर्ड विवियन से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत सारे ड्रेस बाय करोगी, हमें पूरे वीक के लिए ड्रेसेस चाहिए। विवियन कहती है कि एक शॉप में मैं गई थी पर उन्होंने मुझे इंटर नहीं होने दिया। एडवर्ड का ईगो जाग जाता है, वो एक बड़े से शॉप में उसे लेकर जाता है। वो विवियन से कहता है कि इन लोगों को सिर्फ क्रेडिट कार्ड दिखना चाहिए, इसके बाद तुम्हारे लिए सब कुछ नाचेंगे। वो आज आकर शॉप ओनर से कहता है कि आज मुझे बहुत सारे पैसे स्पेंड करने हैं, तुम्हें जो भी सब तुम्हारा बेस्ट है वो सब विवियन के लिए तुम दिखाओ। विवियन इसके बाद पूरे शॉप को अपनी उंगलियों पर नचाती है। होटल में जाते वक्त वो सेल्स वुमन के पास फिर से आती है जिन्होंने उसकी इंसल्ट की थी। ये कमीशन पे काम करती थी और आज विवियन ने बहुत सारा स्पेंड किया है, इन्हें भी देखकर बहुत ही बुरा लगता है। होटल में जब वे पहुंचती है तो सब लोग उसे ही देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड अपने लॉयर से बात कर रहा है। ओल्ड मैन को प्रेशराइज करने के लिए वो बैंक को कॉल लगा सकते हैं, पर एडवर्ड इसमें जरा हेसिटेट कर रहा है। लॉयर उसे कहता है कि तुम 3 साल से इस कंपनी को चाहते थे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो। एडवर्ड कुछ भी नहीं बोलता। जब विवियन और एडवर्ड एक दूसरे के साथ होते हैं तो अपना दिल एडवर्ड उसके पास हल्का करता है। उसके फादर अभी अभी मरे हैं, पर फिर भी उससे बहुत ही हेट करता है। वो कहता है कि मेरी मदर को दूसरी औरत के लिए छोड़कर चले गए थे, वो बहुत ही रिच थे पर अपने सब पैसे वो अपने साथ लेकर चले गए। एडवर्ड इसीलिए सब कंपनीज बाय करता है। एडवर्ड ने फिर मेहनत की और अपने फादर की कंपनी बाय कर ली। नेक्स्ट डे एडवर्ड विवियन को गोल्फ के यहाँ लेकर जाता है। वहाँ लॉयर ने पार्टी रखी होती है जिसमें वो ज्वाइन होते हैं। विवियन बहुत ब्यूटीफुल लगती है तो सब लोग विवियन को ही देखते हैं। ओल्ड मैन का ग्रैंडसन भी इस मीटिंग में है तो विवियन से वो बातें करने लग जाता है। एडवर्ड को लॉयर देखता है और उसे लगता है कि विवियन उसके साथ मिली हुई है। एडवर्ड एक कंपनी बाय करने के लिए डिले कर रहा था तो उसे लगता है कि विवियन की वजह से ये सब वो कर रहा होगा। वो एडवर्ड के पास आता है और ये सब चीजें कहता है। एडवर्ड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉयर उसे प्रेशराइज करता है और कहता है कि ये तुम्हें कहाँ मिली थी। एडवर्ड फिर उसे सब कुछ सच बता देता है। ये लॉयर उस पर बिलीव नहीं करता और बहुत हंसता है। इसके बाद वो विवियन के पास आता है। वो कहता है कि जब एडवर्ड चला जाएगा तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। विवियन को बहुत इंसल्टेड महसूस होता है। वो गुस्से में ही होटल में आती है। एडवर्ड उसे पूछता है कि क्या हुआ क्या है। एडवर्ड से वो कहती है कभी भी मुझे इस तरह से ह्यूमिलेटेड महसूस नहीं हुआ। वो जब स्ट्रीट पे होती है तो इस सब के लिए रेडी होती है। वो एडवर्ड से कहती है कि इस तरह से मुझे सबके सामने तुम बदनाम नहीं कर सकते। एडवर्ड विवियन से झगड़ा नहीं करना चाहता। एडवर्ड ने उसे जो भी सब पैसे दिए थे वो वही रख देती है और निकलने लग जाती है। एडवर्ड भी उसके पीछे पीछे जाता है। एडवर्ड उसे कहता है कि मुझसे एक्सीडेंटली हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे सब कहना क्या है, ये फिर से कभी भी नहीं होगा। विवियन भी मान जाती है। ये दोनों इंटीमेट होते हैं। विवियन कहती है कि हमेशा मैं बुरे लड़कों के साथ ही रही हूँ, इसी वजह से आज मुझे बिजनेस करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड अपने ऑफिस से जरा टाइम ऑफ लेता है। उसका लॉयर उसे पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि एडवर्ड कभी भी ऐसा नहीं करता। आज एडवर्ड डेट पर जाने वाला है। लॉयर कहता है कि उसके साथ तुम डेट पर क्यों जा रहे हो, ये सब कुछ वो समझ नहीं पाता। एडवर्ड विवियन के लिए एक बहुत ही कॉस्टली और ब्यूटीफुल नेकलेस लाता है। ये $250,000 का है। विवियन को बहुत ही अच्छा लगता है और इसकी प्राइस वो बिलीव नहीं कर पाती। इसके बाद एडवर्ड उसे डायरेक्टली एयरपोर्ट लाता है। ये फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क में ओपेरा देखने के लिए आते हैं। ये ओपेरा देखते हुए विवियन बहुत ही इमोशनल होती है, उसे बहुत पसंद आता है। आज रात विवियन उसे कहती है कि कल तुम ऑफिस मत जाना, एक डे ऑफ लेते हैं और कहीं हम जाएंगे। एडवर्ड ने कभी भी अपने लाइफ में ऐसा किया नहीं था, पर वो लॉयर को कॉल कर कहते हैं कल मैं ऑफिस नहीं आने वाला। ये दोनों पार्क में जाते हैं, अलग अलग जगह घूमते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। एडवर्ड रात में जब सोया हुआ होता है तो विवियन उसके पास आती है और उसके माउथ पर किस करती है, जो कभी भी किसी के साथ भी नहीं करती। इसके बाद फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। विवियन अब एडवर्ड से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। सुबह होती है, एडवर्ड ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। विवियन भी उसके पास आकर बैठ जाती है। एडवर्ड उसे कहते हैं कि मेरा अब यहाँ बिजनेस खत्म हो चुका है, एक वीक खत्म हो चुका है। विवियन को अब वो एक डील देता है, कहता है कभी भी अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक फ्लैट में यहाँ बाय कर दूंगा और वहां तुम रहना, जब भी मैं न्यूयॉर्क से यहाँ आऊंगा तब तुम्हारे साथ मैं रह सकता हूँ। विवियन अब उसके प्यार में है और ये नहीं चाहती, उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है। उस पर वो नाराज हो जाती है और इसे वो डिक्लाइन कर देती है। एडवर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट किया है, इस वक्त मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ, ये कहकर वहां से चला जाता है। आज विवियन की फ्रेंड उसे मिलने के लिए होटल में आती है। जब ये दोनों बातें करती है तो विवियन उसे सब कुछ चीजें बता देती है। विवियन कहती है कि वो और मैं कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा मत सोचो, ये बहुत बार हुआ है। विवियन कहती है कि मुझे एक एग्जाम्पल दो। उसकी फ्रेंड कहती है कि सिंड्रेला के साथ ऐसा हुआ था।
यह बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है, तो ये दोनों इस पर बहुत हंसती है। आज एडवर्ड की ओल्ड मैन के साथ लास्ट मीटिंग है। जिस तरह से एडवर्ड को एक कंपनी चाहिए थी, उसी तरीके से उसे एक कंपनी मिल जाने वाली है। उसने कभी भी कुछ चीजें क्रिएट नहीं की है, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। ओल्ड मैन से कहता है कि तुम्हारी कंपनी में बाय करूंगा, पर हम दोनों मिलकर इसे चलाएंगे। इस कंपनी को अलग हाइट पर वो लेकर जाना चाहता है। इस डील को सुनकर एडवर्ड का लॉयर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो डायरेक्टली होटल में आता है। ये लॉयर गुस्सा ही है तो विवेन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एडवर्ड आता है और इसे बहुत मारता है। विवेन एडवर्ड से कहती है कि तुमने आज जो डिसीजन लिया ये बहुत ही अच्छा लिया। एडवर्ड उसे फिर से कहता है कि वो रुक सकती है, पर विवेन को अब जाना ही है। विवेन उससे कहती है कि जब मैं यहाँ आई थी तब अगर तुमने मुझे ऑफर किया होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेती, पर अब जो मैं तुम्हें जान चुकी हो उसके पैर में वो है, तो उसे और भी चाहिए, उसे एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए। तो उसकी मदर उसे क्लोजेट में बंद कर देती थी। वो हमेशा इमेजिन करती थी कि एक दिन उसका प्रिंस आएगा और उसे वहां से लेकर चला जाएगा। उसे लगा था कि उसका ये प्रिंस एडवर्ड ही है। अब वो एक काम नहीं करना चाहती तो फ्रेंड को कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, जो पैसे उसे मिले हैं इस पैसों के साथ फिर से स्कूल में जाएगी और अपना एजुकेशन कम्प्लीट करेगी। होटल से जब एडवर्ड चेकआउट कर रहा है तो मैनेजर को वो उदास लगता है। मैनेजर एडवर्ड को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए एक ड्राइवर देता है। मैनेजर कहता है कि ये वही ड्राइवर है जिसने विवियन को भी उसके घर छोड़ा था। एडवर्ड विवियन के लिए फूल लेता है, उसके घर के बाहर आ जाता है। जिस तरह से फेरी टेल्स में प्रिंस अपने घोड़े पर आता है, उसी तरह से कार में आता है और कार की छत पर चढ़ जाता है। विवियन को आवाज लगाता है। विवियन भी एक प्रिंसेस की तरह खिड़की से बाहर आती है। एडवर्ड को ऊंचाई से डर लगता था, पर फिर भी पीछे के फायर एस्केप से वो विवियन के पास आ जाता है। विवियन से पूछता है कि अब तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। विवेन कहती है प्रिंस ने प्रिंसेस को बचा लिया है, तो अब प्रिंसेस फिर से प्रिंस को बचाएगी। ये फिर एक दूसरे को किस करते हैं और इसी एक ब्यूटीफुल नोट पर ये मूवी एंड हो जाती है। एडवर्ड एक बड़ा बिजनेसमैन था, पर वो हमेशा अकेला था। उसे लाइफ किस तरह से जीनी चाहिए, किस क्यूरियोसिटी से जीनी चाहिए, ये कभी पता नहीं था। जब वो विवेन से मिला तो वो फुल ऑफ लाइफ थी। विवेन के हालात बुरे थे, पर इसी वजह से ये सब चीजें वो कर रही थी। एडवर्ड को देखकर इंस्पायर हो गई, वो भी कुछ कर सकती है, इसका कॉन्फिडेंस उसे आया। एडवर्ड उसके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहता था, पर फिर भी अपनी लाइफ को वो सही से अब जीने वाली थी। लास्ट में एडवर्ड ने भी रियलाइज किया कि वो विवियन से प्यार करता है। उसके बाद एक दूसरे के पास आ गए। यही आज का वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।